चलो। अरे भाई के भाई, घर वालों का मिल बता, घर वाले तो पहले मान नहीं थी बड़ी मुश्किल जानी यो साल एक करवे बाद में पढ़े कन जोलो या को कोर्स कन जोलो, तो जब आयो छ यो तो भलके कन तैयार होन का भी खुटूर सकन मुन फूट सकन सब चीज तैयार होन या ना कि बे यो हुई तक क्या होल तब तैयार हर चीज ले बिजान होना हां जन तक प्रिय से बना के चलो फाइट अप बनावा ये भाई उन्होंने में घर में लड़ाई कंचिवल तक लड़ाई कंचिवल लड़ाई कंचिवल बोले के पछलो लड़ाई के कई बार स्ट्रेंथ मैटर करती है समझ लो, क्योंकि देखो इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कई बार जो तुम लेक्चर पॉइंट पर जाओगे ना वहाँ लड़के आते हैं वैसे बिल्कुल गरीब फैमिली से आते हैं, उनका माइंड सेट बहुत टफ होता है, वो हार नहीं मानने वाला, समझ रहे हो ना तुम, ठीक है समझ रहे हो, लेकिन इसमें तुम्हारी टेक्निक बहुत आगे होनी चाहिए कि तुम उन्हें टेक्निक पर हरा सको, एंड देन तुम्हारे अंदर बिल्कुल पावर भी होनी चाहिए। कई बार जिस तो क्या होता है कि मतलब तुम जाते हो अगले बंदे ने मारा तुमने उसे मारा दो राउंड तक किसी राउंड में उसने तुम्हें हरा दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या है वो टफ करना, क्योंकि मेरी स्टार्टिंग की फाइट वैसी थी एमएचओ सारी फाइट मैं ऐसे जीता हूँ कि जैसे कोई बंदा चार साल से कर रहा है वो एमएमए, अब मुझे 2.5 महीने हुए थे फर्स्ट टाइम जो मेरी फाइट थी एमएचओ में, पर मैं उसके साथ जीता उसमें स्टेमिना में अक्सर जो स्टार्टिंग है मेरी 8 एमएचओ फाइट मेरी ऐसी हुई है कि अगला बंदा बड़े बड़े जिम से हारा गया उस समय, और वही है विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर तुम्हारी विल पावर भी स्ट्रांग है और तुम्हारी टेक्निक भी स्ट्रांग है प्लस फाइटिंग आईक्यू है तुम्हारे अंदर, तब तो तुम टॉप पे जाने पे कोई नहीं रोक सकते, ठीक है। तो इन तीनों के साथ स्पारिंग करेंगे लेवल टू वाले, पर लेवल टू में सामने लेंगे जैसे दिनेश, इधर आओ दिनेश का पेट बाहर आ रहा है, तो जैसे इसका माइंड सेट वीक है कि नहीं अभी देखते हैं, ठीक है तुम जाओ उसके साथ, तुम्हें स्पॉट आ रहा है ठीक है साइड माउंट से, ओके इसको टेक्निक नहीं पता, इसको टेक्निक पता है पूरा दम लगा देना, ठीक है तुम्हें पूरा जाना, ठीक हो तुम, ओके अब आएगा यहाँ से तुम तो पहले ऐसे कर लो मुझे यार, कुछ कुछ मारा था थोड़ा बस कर लो, ओके अब है तुम्हारा अली का छोड़ा करवा सदा तो नीचे देख रहा है, बिल्कुल क्या हो गया नहीं करना नीचे क्यों देख रहा है ऐसे, ताकि मेरा नाम ना बोला तुम आओगे टूटी नहीं तब तक तुम नहीं बोल सकते कि ऑफ रहना, तुम कह रहे हो घुटनी में दर्द हो रहा है क्या चोट, ऐसा मत करो यार, ओके चलो रुक जाओ तुम्हारी चोट लगी तो रहने दो, एक और स्ट्रॉन्ग बनना रहता है क्या पड़े, और लेवल टू वाले आप क्या करना, लेवल टू लेवल टू लेवल टू सुमित सुमित है बंदा सही, आ जाओ मार दो आगे पहले पीछे पीछे गो 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 अमित चलो अमित पुराने मंदिरों से मेरा नाम राकेश सिंह चु, मैं चमोली गढ़वाल के मालसी क्षेत्र से आने वाला लड़का हूँ, और मतलब मेरा यहाँ एमएमए में आने का वो सपना था दिगंबर भाई और अंगद सर को देखकर थोड़ा उत्साह हुआ और मैं एमएमए में आया, वैसे तो हमारे गढ़वाली गढ़वाल में मतलब भर्ती में जाना वो है शौक है हर किसी का, पर मैं मतलब एक बार रिटर्न में और एक बार रिहाइट में बाहर होने के कारण और मैं उसके बाद मैंने दिगंबर भाई और अंगद सर को देकर मुझे थोड़ा उत्साह और मैं एमएमए आया, धन्यवाद। मेरा नाम सचिन सिंह रावचा,
और मैं जिला पौड़ी गढ़वाल से रहने वाला हूं। तो हमारा गाँव ना सलीस सलोन से, माँ गाँव का नाम सलोन है। और जैसे आपको सबको पता ही है कि गाँव में तो सब ये नहीं कि हम फौज में जाना या हम फौज में नहीं हुए तो होटल लाइन में जाना। और फिर भी मैं तो समझ कि मैं होटल लाइन में कौन नहीं चाह मतलब इन से मतलब होटल लाइन में कौन नहीं चाह। तो इस बड़े में अगर कुछ अपने बिजनेस कर लिए घर में दुकानें डाल दिलूँ या दिलों जाके कुछ दुकानें कर लूँ। तो जब मैं मतलब यूट्यूब हम सब चलो ना यूट्यूब पर जब मैं अंगद सर फाइटिंग वगैरह दी मेरे दोस्त बताया मैं तो वैसे मैं तो पंद्रह मैं दगड़ी खिलौने कोचिंग कौन देर जोड़ में तो वो बताया मैं थी कि तो तू भी कार सीखन छे तो मतलब छेंचे तो घर में थोड़े कन छेंचे अगर लोग खुद लड़न छेंचे तो यू तू भी ये कह मैं कार सीखन छा क्योंकि घर में गाँव में झगड़ा झगड़ा करना छो जैके दड़ भी लड़े फड़े स्कूल में जान तो लड़े हो जान छे कॉलेज जान तो लड़े हो जान छे। तब मतलब मैं अभी बी ए करूँ बी ए सेकंड ईयर मेरा भी वही पेपर दोनों हमारे फिर चलो छोड़ बी ए छोड़ो वगैरह ये कुछ भी नहीं है इसमें। तो मैंने पढ़ाई करके तो हमारा कुछ वन सैनिक पढ़े कर तो पहाड़ा तक पढ़े कुछ छैनिस मतलब पढ़े में तो हम पहाड़े लोग तो कभी ध्यान रहनी स्कूल जाना तो भैंस जाना मैच खेल जाना फिर हमारा भी इनके माइंड सेट तो हुए नहीं चे। तो मैं भी सोचिए एक बार फैटर बना लो कुछ चीज़ मतलब देख सको अगर मतलब तो देख हमने एक दिन आप लोगों का भी वीडियो देखा एक दिन कि अगर जो जिसको ज़्यादा जोश है जुनून है वो यहाँ आके देखे मतलब ये घर वाल तो मैं बताया भी नहीं पहले बात है एक बार अपने पापा तो बताया मेरा पापा बोली कि हाँ तुझे करना पर पढ़े पूर कर मैं पापा मेरे पापा तो बोली कि तो मैं एम एम ए करना बल क्यों बोलियो मैं भाई एम एम ए मिक्स मार्शल आर्ट है बल हाँ बट ठीक है। तो ये कन वो ये बात की कन बोलते हैं मैं भी बस ये फाइटिंग में जाना करना था वो ये बात दिख जा लोग जब भी न्यूबी को पूछा जी क्या करना मैं ज़्यादा चीज़ बताने से मुझे यहाँ कोचिंग करना कोई भी पूछा जी मुझे यहाँ कोचिंग करूँ क्या चीज़ें बताने से कि हाँ चलो पढ़े कोचिंग करो ये तो मैं भी ये चीज़ की कभी कभी कुछ चीज़ बताऊँ कोई चीज़ लोगों पता नहीं जाती तो यूज़ की दिखोड़ जब बाद में दिखेलता हूँ खुद पता चल जाता तो मैं घर आऊँ क्या बोली जब वो सोच की तुम मुझे खोन तो घर आऊँ क्या बोली घर वालों को वैसे तो मैंने बताया नहीं नहीं क्योंकि उनको समझ नहीं आ गया कि वो बोलेंगे कि तू लड़ाई कर रहा ऐसा कर रहा वैसा कर रहा। फिर मैंने मतलब अपने भाई को बोला वो मतलब फौज में रहता है तो उसने बोला जो तेरे को ठीक लगता है अगर तेरे को लगता है कि मैं एमएमए फाइटर बन सकता हूँ तो तू कर उसे और मतलब ऐसे बोला उन्होंने। तुमका कहाँ से? मेरा नाम मुकेश सिंह रावत छूँ और मैं गरुड़ बागेश्वर बटिया आई छूँ और इससे पहले मैं फौज तैयारी कर ची 3-4 साल अग ची फिर वैसी मेडिकल रिटर्न में मिला बिहार ही वह बाद में होटल लाइन में गई दो तीन जगह गई मैं होटल लाइन में हैदराबाद या यूपी साइड होटल में काम करा मैं दिल नहीं मानवा होटल में काम करूँ मेरे बचपन में थी शौक छी अब मैं जानक और फौज में जानक वहाँ तो ठुल स्पेशल फोर्स में जानक पैरा जसमें वहाँ हो न वह बाद में यहाँ आई मेरे यह चीज़ में शौक छी चॉइस छी यह चीज़ सीखणक वह बदी मैं आई मैं घर वालों का मिल बता घर वाले तो पहले मान नहीं थी बड़ी मुश्किल बदी समझब फिर उन्होंने घर वाले मानी गई उन्होंने फिर यहाँ भेजा छी मेरे घर वालों तो मुझे क्या लगा मतलब क्या विचार मतलब या ना ठीक चिकी छः छः नीचे कब तक पहुँच सका नहीं या कुछ भी तो सबसे पहले तो तुम सब ऊपर चली होलो कि सब चमोली का चो भाई बंदे समझा अब हमारे तो कि चमोली भी था हम सब भाई बंदे माने ना ये सब भाई हैं हमारे तब 2 साल भी गया तो 2 साल में मैं ये बन जाऊँ कि मैं यहाँ कखी लोड़ देखे चमोली में कहीं आना कहीं जाना कि 2 महीने में जाऊँ कि 3 महीने में जाऊँ मैं तुम ये बन चलो यार कि तुम जब आए अच्छे घर बार छोड़ गए पढ़े छोड़ गए तो अपड़ो जब आए अच्छे तो सब कुछ मतलब ढंग से कन ट्रेनिंग पर आन मेहनत कन क्योंकि यही अब तो यानी यो साल यक करे बाद में पढ़े कन जो लो या कोई कोर्स कन जो लो तो जब आए छे यो तो भलके कन क्यों लास्ट तक ये खेलो ढंग से मेहनत कन चमड़ी नो रोशन कन जन दिगम बराल करी लास्ट फाइट में तो मैंने मना कुछ आगे कन अगर तुम यमुना कुछ सोचू तब तो अच्छी बात है अभी तुम मना कि मैं अभी हो अगर यख नहीं हो तो वक जान वक नहीं हो तो वक जान तब तो दिक्कत ठीक है। तो दोस्तों मेहनत कर तब तब हेरो नहीं तो फायदा नहीं 6 महीना यो साल करके फायदा नहीं ना क्यों मैं नहीं कि 6 महीना में यो खोलूँ अभी बार यार मैं भय होटल में रहन चल मैं भी होटल में जाऊँ या फिर मैं भय और रन मैं वो हो जाऊँ जब कन तो भलके कन ठीक है यही मैसेज मैं सबूँ अगर तुम उन भलके कन सब जो सब गढ़वा ली हूँ अगर तुम उन रोण यख अगर तुम उन मेहनत कन तुम लगन अगर तुम्हारा अंगस भीतर संयम च तो यह कहवा करा मेहनत करा और कुछ हम काम काम करा के तुम्हारा घरों में नो रोशन हो तुम्हारा गाँव हो तुम्हारा जिलों का नो रोशन हो मैं तो कोई फायदा नहीं है करके ठीक है। और कुछ राकेश बस अरे ना ना ना
तो बहुत शर्मा ना कि डर जाए कि जब भाई चोट लगी तो ए माऊ माऊ छक मार माऊ उन मम्मी को माऊ गजेलिया खमार माऊ भी डर उड़ो ऐसा तो नहीं बोला गॉड है बाद उसके अब यक है तब यंच के चाहे तुम्हें प्रॉब्लम कुछ भी भाई यंच की और टाइम दियो अपने आप हूँ कि भाई मैं यौ साल पूरे जी जान मेहनत कर मतलब अपू आपू देखो वन अलग चीज़ वन कन अलग चीज़ वन तुम बोल कि हाँ भाई तुम न भाई कि मैं लड़ाई कन चाहिए कन चाहिए तुम बोल कि हाँ भाई मैं तो जोलो मैं सबू मार लिए सो लेकिन जब यह है जब पचर कि हाँ ये तब सीख सीखण वह चीज़ मतलब वो चीज़ है टेक्निकल से माँ ये नहीं किसी तो मार फाड़ को नहीं तब समझ मन के आदमी भाई आए तो बहुत मुश्किल से फिर इसके अपू आप टाइम दो चीज़ समझा समझा धीरे धीरे मैं भी आप यो टाइम दिन जब धीरे धीरे मैं समझ में खुद इंटरेस्ट मूड बैठ गए चीज़ में जब इंटरेस्ट मूड बैठ जाना धीरे धीरे आदमी हमेशा यूँ जान कि सीखण दिमाग में बच्चू चीज सीखण मैं फाइट वाली मैं प्रो फाइटर बोलो नहीं बोलो मैं यानी कोलो नहीं कोलो वो चीज़ अलग बात है सबसे मेन सीखण अगर तुम अच्छे से सीखना तुम परफॉर्मेंस अच्छे सब चीज़ बढ़े चाहिए तुम कोई नहीं उसका ना कहीं जानो सिंपल से बदल जाए अपनी पूरी जान लगे जाऊँगी चीज़ में दिमाग माँ दिन रात भाई हूँ चन की यूज की मिल आज के सीख मिल आज के सीख मिल सीख अगर बुआ के कोई चीज़ हम तो अरे यार मैं कौर तो मैं कान के निकल जाते जाना भी नहीं होना हर बार जान लगे सकन आदमी इतनी देर तक जान लगे सकन थक जाना आदमी दिमाग हमेशा शांत रखा बिल्कुल सोचना ये चीज़ है बारे में ये चीज़ करना ठीक है बाकी तुम सब होते ऑल द बेस्ट लाइफ के लिए और गुड लक क्या कहूँ तब समझ आएगी अब फाइटर भी बन चाहिए और क्या टेक्निक भी नहीं लगाना लगाणी जी अमिंदर बोला यार नहीं होता वही समझना अच्छा मुझे तक कि जब कन तो भल के कन खाली नहीं कन सुधी नहीं कन सुधी ये चल रहे फाइटर बनाओ ये कौन तो भल के कौन सब कुछ छाड़ के कौन तो नहीं ये नहीं मोड़ के यो साला बाद ये चल कौन चला तैयार तैयार होने कभी भी खुद टूट सकन मुन फूट सकन सब चीज़ है तैयार होने या ना कि भी यू हुई तो क्या बोलता तैयार हर चीज़ होना फाइटर बनाओ ये भाई उन्होंने मैं घर में लड़ाई कंची वाल तक लड़ाई कंची वक्त लड़ाई कंची बोले क्या पछड़ों लड़ाई क्या क्योंकि वो बहुत चीज़ सीख रहे छः महीने बाद घर चला डर जाए माऊ के लगो माऊ